आप करते हो गए जी आइंस्टीन थ्योरी या भी स्टीम रेपिटेशन वन और टू में एनर्जी लेवल्स को मान लिए थे और मैं कुछ समय पर बहुत सारी की बात की थी कि बहुत कितनी एनर्जी डेंसिटी कुछ देखे थे कि एन1 एंड एन2 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम एट इक्विलिब्रियम इन द लोअर एंड अपर स्टेट देन अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन लॉ सेंटेंस राइट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द इक्विलिब्रियम इन द मैटर एंड एनर्जी इज गवर्न्ड बाय थ्री डिफरेंट प्रोसेस पहला प्रश्न जो उसमें लिखा है प्लाज्मा क्या लिखा है तो सुनो स्टूडेंट प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक है इसके बाद आर इज है स्टूडेंट प्लाज्मा क्या पहले भी लिखा जा चुका है प्रैक्टिस का नाम ये है और वो कहते हैं को कई तरीके से साथ लिखा था पहले याद है एक इंड्यूस कंडीशन के फॉर्म में लिखा था याद कर ये भी कहा होगा कि इंड्यूस एग्जॉशन पहले से लिखा था इसको इंड्यूस एग्जॉशन इंड्यूस स्टिमुलेटेड इंड्यूस एग्जॉशन भी कहते हैं और इंड्यूस स्टिमुलेटेड इमिशन भी कुछ पुरानी किताबों में लिखा हुआ है जो नाम अच्छा लग रहा है आपको वो लिख सकते हैं दूसरा फार्मूला जो था स्पॉन्टेनियस और तीसरा फार्मूला जो बीच में होगा वो आर्टिफैक्टिंग स्टिमुलेटेड इमिशन होगा स्टिमुलेटेड इमिशन या इस स्टिमुलेटेड इमिशन को भी बोल इंड्यूस्ड इमिशन कहते हैं इंड्यूस्ड और पुरानी किताबों में इसको दोनों कहीं पर मिला लेते हैं वो स्टिमुलेटेड इंग्लिश मिशन भी कह सकते हैं इंग्लिश स्टिमुलेटेड मिशन सिंपल वन थिंग थी कि इक्विलिब्रियम बिटवीन दी मैटर एनर्जी इज गॉन बाय थ्री डिफरेंट प्रोसेस पहला प्रोसेस था एब्जॉर्प्शन दूसरा प्रोसेस था उसमें से वो कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस मिशन और तीसरा था स्टिमुलेटेड मिशन ये सिंपल ऐसे कुछ है जिसे काटा काटा ले लीजिए उसको आप लगा दीजिए तो आपके पास मैटर भी है और आपके पास एनर्जी भी है राकेट आपने चलाया राकेट भी जाता है उसके साथ में और साथ में उसमें एनर्जी या रेडिएशन भी होता है तो दोनों एक ही साथ हैं यानी न तो पूरी तरह से मटेरियल ख़त्म होता है और न पूरी तरीके से 100% वहाँ जो है रेडिएशन से नंबर ऑफ एटम्स
नॉर्मल स्टेट या लोअर स्टेट या डाउन स्टेट द्वारा लोअर स्टेट और ये अपर स्टेट प्रोसीजर मीडियम कंटेनिंग मटीरियल एंड हैविंग दैट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स दैट इज डिस्क्राइब बाय टू नॉट जीरो टू नाइन is called
ये कराता है स्पीन कोफिशिएंट इज कोस्टिंग कांस्टेंट है इस बार ये थे कोस्टिंग कांस्टेंट है इस बार ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इस बार एंड इस बार इसका कुछ नाम रहा है स्पीन कोफिशिएंट कराता है आइंस्टीन आप भी कह सकते हैं आप आगे कह सकते हैं आइंस्टीन केवल आइंस्टीन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं तो आप भी एक एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जो है वो कह सकते हैं इवन टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसका कुछ नाम है चीफ रिप्रेजेंट आया गया था पहले चीफ रिप्रेजेंट क्या बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दी प्रोबेबिलिटी आप भी उनके बीच में से बुआ है या हमको इतना डरते हैं या माफ करके रिश्ते लोग निकालने की हमारे रिश्तेदार हैं तो जिस तरह की बात करके अपनी बात सुनाने का एक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी हो सकता है कि आपके दाम के दाम आने जाने के नाम पर हो सकता है आपके रिश्ते के नाम पर हो सकता है कोई और कारण धमकाने की वजह से आप करते हो तो कहते हैं हमारी बात सुनने के चलते हैं आपके साथ दिस इज कॉल्ड यहाँ पर एक प्रॉपर्टी कांस्टेंट की कंप्लेंस को अब ये डायरेक्शन इसका अपवर्ड का इसको क्या गया सिमिलरली रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन या नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन पर सेकंड कह सकते हैं रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ एटम इन द अपर स्टेट नंबर ऑफ एटम्स
में नंबर ऑफ एटम से एन टी यानी स्टिमुलेटेड इमिशन एन टू पर निर्भर करता है एंड एनर्जी सेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी सेंसिटी ऑफ दी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी सेंसिटी है वो बहुत यूज कराती है उससे निर्भर करता है या ये कह रहे हैं एप्लीकेशन को लिख सकते हैं ये मैथमेटिकली प्रोसेस इन टर्म्स में आर टू वन और स्टार से नोट होगा तो आप ये मैथमेटिकली रेट ऑफ स्टिमुलेटेड मोशन स्टिमुलेटेड के लिए जो भी था वो उसे होता है उसका सिर्फ क्या था टू वन नंबर ऑफ एटम एन टू और ये मैथमेटिक्स के धर्म में होगा या ये कह सकते हैं कि जो फिनोमेना ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन है तो मैथमेटिक्स के तरीके से या ए स्टार प्लस एक्सिलेशन इक्वल टू का ए प्लस टू एक्सिलेशन दो प्रोग्राम बनाते थे रिजल्ट होता था आप देखते थे जो इंक्रीज इन इंटेंसिटी होता था या मैथमेटिकली आप उसको और भी तरीकों से कहते हैं और ये मैथमेटिकल चीज थी इसलिए वर्ड के साथ इसको आपको दिक्कत ना हो पढ़ने के लिए दिया गया तीन क्वेश्चन में तीनों का डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ जीवन डायरेक्शन ऑफ दी डिफरेंट अपवर्ड ट्रांजिशन पहला है
आर 12 इज इक्वल टू डाउनवर्ड वेक्टर पोजीशन है आपके, एक है आर 21 और दूसरा है आर 21। ये तो वह मैथमेटिकल हमने ले लिया, मैथमेटिक्स में की पूरी बात आ गई। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू सभी, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 14 और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ वैल्यू ऑफ डिफरेंट सेम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम इक्वेशन एक क्वेश्चन रिजल्ट के सकते 1 2 3 चाहे सी मिल जाए तो फिर गेट क्या मिल जाएगा आपको, ये सब लेके हटा करके देखिए आर वन टू था, आर वन टू क्या है क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन नंबर वहाँ होती हुई है वी वन टू नंबर ऑफ एटम इन द लोअर स्टेट एनर्जी एनर्जी मूवी इज इक्वल टू ए ए टू वन इसका यहाँ पे टू किया हुआ वी वन वी वन टू अंतिम पोजिशन है कि बात चल रहा है नंबर टू पहले वाले को लिखा यस को डिफरेंट डिफरेंट में लिखा दूसरा तीसरा नहीं लिखा मैंने लगाइए बीच में कहीं लिख दीजिए वेयर ए टू वन आपकी आपने लिख के भाई सर कैसे दूसरा एक क्वेश्चन ले आइए वेयर ए टू वन है यहाँ पर लिखा है जैसे आर वन टू लिखा हुआ है इसी तरह आपका उसमें लिखा होगा यहाँ लिखा हुआ है आर टू वन इक्वल टू ए टू वन एम इसके जस्ट नीचे लिखिए Where A21 is the proportionality constant and it is known as minus the coefficient of spontaneous reaction. Represent probability of balance is power. तीसरे वाले में भी कोई क्वेश्चन थी, तीसरी क्वेश्चन थी A21 हो गया हमारा पैटर्न। तीसरी क्वेश्चन कुछ थी वहाँ पर देखिए बी टू वन उसमें भी लिख लीजिए वह बी टू वन इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज नोन एज आइंस्टीन कोएफिशिएंट फॉर स्टिम्युलेटेड प्रेवलेंस ऑफ द मैटर ये प्रोबेबिलिटी मतलब करता है। तो इसमें हमने इसकी वैल्यू लिखी ये बी ये आर टू वन की वैल्यू लिखी उसे आर टू वन हो गया बी टू वन ये नंबर ऑफ एटम जिसको जन्मान कहते हैं ये इक्वेशन मैथमेटिकली बन गई एकदम साहब हमको एनर्जी डेंसिटी निकालनी यहां पे क्या भैया यहां दोनों को कर दिया है ऑन सिंपलीफिकेशन में गई v1 n1 माइनस v2 1 n2 को हम कर दिया हमने सी दोनों इक्वल टू a21 एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रिएक्शन वी वांट टू तो पहले से मालूम है उसको हम निकालना चाहते हैं तो ओनली इक्वल टू क्या आ गया एनर्जी क्योंकि ये हमको पता है कि हमने बात निकाल ली थी तो ओनली वो क्या थी टोटल एनर्जी इक्वल टू थी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय h के और कितना बार हमने इसे डिवाइड कर दिया डेंसिटी आ गई दैट इज वी कैन राइट हियर जिसे ओनली हमें पता है इज इक्वल टू a21 एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन
कैन रिटेन इन टर्म्स ऑफ दिस फार्मूला दैट इज दिस वेरी सिंपल. ये रेजिडेंसिटी किसी बॉडी से अगर कोई एक्टिव नहीं है बाहर हो रही है या एडमिट हो रही है उसका फार्मूला इस तरीके से यहाँ एडमिशन का फार्मूला निकाल सकते हैं, एडमिशन का भी निकाल सकते हैं. तो हमने मान लिया कि अगर थर्मोडाइनेमिक स्ट्रक्चर है आपने पहले से पढ़ रखा है कि बहुत सी बॉडी होती है वो एनर्जी इमिट करती है. इमिट करने के बहुत से तरीके होते हैं या बहुत तरीके के रेडिएशन हो सकते हैं. फिलहाल एक तरह के रेडिएशन को हार्ट रेडिएशन कहते हैं. हार्ट बॉडी के बारे में आपने बहुत सा आजकल हार्ट बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी. पहले थी जो भी टेक्नोलॉजी बनी थी तमाम हार्ट बॉडीज की धूप थी यानी आदमी धूप में रहते थे बहुत गर्मी हो जाती थी. पेट लगाता था पेट के बाद मकान आ गया, मकान के बाद दिमाग एयर कंडीशन आ गया जो एयर कंडीशन से भी जिनको फील नहीं लगता और उसको ये जो सो कॉल्ड हार्ट कंडीशन की रिस्क थी वो मोस्टली आपने पढ़ी तमाम तरीके से. वो फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस हो सकती है, सेकेंड क्लास परफॉर्मेंस हो सकती है. लेकिन आजकल जरा दूसरी तरह की दुनिया तैयार हो रही है. आप देखते हैं तीन तीन दिन तक पानी होता रहता है, झाड़ा लगने लगता है, पता चला बर्फ़ गिर रही है कहीं कहीं पर. अगर आप गलती से चंद्रमा में चले गए हो सकता है आपके अंदर आने वाले रिलेटिव हमारे यहाँ जुड़ गए क्योंकि अब उस पैसेंजर की सुविधा होने वाली है, सफर की सुविधा होने वाली है या बहुत से लोग कुछ उसमें से आ जा रहे हैं आपको जाने वाले हैं जिसका रिक्शा टिकट मिल जाएगा वो जा सकते हैं. तो 4,000 लोगों ने उसकी बुकिंग कराई है लेकिन 6 लोगों का 6 सीटें हैं कोर्स को जाने के लिए. तो कोई भी जा सकता है उसमें 6. अभी आपने देखा कुछ दिन पहले शायद हमारा पार्ट होते हों तो 2 महिलाओं ने वहाँ पर कुछ बनाया है. अभी पर जा करके हवा में निकल के या दूसरे पर निकल के उन लोगों ने कुछ 3 दिन पहले एक स्टेशन बनाया है. आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन महिलाएँ जा रही है तो वहाँ पर फिर से 4 आदमियों का सिलेक्शन 6 का टोटल है. भाई ये हिंदुस्तानी की है उसमें सच्चा अभी जो बुकिंग हुई है उसके मुताबिक उसकी आर्टिकल को कह सकते हैं. लेकिन वहाँ जाने के लिए तो 2-4 महीने पहले आपको उसकी तैयारी करनी होगी कैसे वहाँ आएंगे. जैसे किसी घर में बच्चे आते हैं तो उसका भाग ले जाते हैं ऐसे करना ऐसे खाना वैसे खाना कैसे जरा चंद्रमा में रहने के लिए थोड़ा चंद्रमा की भाषा भी होती है लोगों को माइक्रो ग्रेविटी होगी. खाना अपने आप आपको मिलेगा, आपको छूना नहीं, खाना मुँह में सीधा चला जाएगा बस आपको और इस तरह का खाना मिलेगा नहीं. टूथपेस्ट की तरह खाना आएगा अंदर चला जाएगा आपके नशा के लिए या जब आपको भोजन की तलाश होगी तब इस तरह की कुछ हो सकता है. अगर बहुत अच्छा भोजन करना चाहते हैं तो फिर चंद्रमा खेती की भी करना पड़ेगा तो बागवानी करनी पड़ेगी. अभी फिलहाल वहाँ पर कुछ स्थिति अच्छी नहीं है. हिंदुस्तान का एक आदमी गया, एक आइटम गया, वो वहीं पर रह गया है. आपको मालूम है तमाम गोवर वोवर के बारे में कुछ अज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं. वहाँ पर सबसे ख़राब बात हमने पहले भी बताई थी कि एक दिन बहुत बड़ा होता है, कई दिन भी बराबर होता है पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है. तो आप जो चीजें कि 14 दिन लगातार काम करना पड़ेगा, 14 दिन आप लगातार सो नहीं सकते तो वहाँ पर जो जिस स्थान पर वो गिरा है अनुमान है कि वहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड यानी फिजिक्स बदल गई. वहाँ पर हार्ट कंडीशन के बजाय क्या होंगे टेम्परेचर -200 डिग्री में हमारा क्या होगा बाहर निकलेंगे तो मालूम नहीं है. भी फिलहाल आदमी को पता है कि ऐसे नहीं बन जाएगी उनको कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी खुद को रहने की. आप आयरन मैन कहते हैं वहाँ जाके आप आइस मैन की तरह एक फूट की तरह खड़े हो जाएंगे जहाँ वो घूम के आपकी स्टैचू बन जाएगी जहाँ निकलेंगे बाहर. तो वो कुछ नई ब्रिज डेवलप कर रही है लो टेम्परेचर ब्रिज कहलाती है और प्रसंगिक है इस समय तमाम इसको कहते हैं ईवीएम का भी बढ़ाया गया होगा. अभी तो समय सुपर फ्लूडिटी या सुपर फ्लूडिटी जैसे होती है वैसे सुपर फ्लूडिटी होती है. सारे फ्लूड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जा करके कुछ आइडियल फ्लूड की तरह रिएक्ट करते हैं. आइडियल फ्लूड फ्लूड के अंदर जो शास्त्री आपने कोई तत्व सीजन बढ़ा शास्त्री की वजह से ज़्यादातर फ्लूड का फ्लूड नहीं जा पाता है विस्कस फोर्स रखता है. समाव उसको अगर जीरो करते हैं विस्कस फोर्स को जो करते हैं कि ईवीएम है इनमें कम लगता है मोमियार से मल्टी क्यूटाइल से इनमें कम लगता है या ये कह सकते हैं कि लुब्रिकेंट जिसको कह सकते हैं इस शास्त्री सी कम कम होता है तो इस तरह की कुछ चीज़ें बना दें तो हो सकता है कि वो बहुत दूर तक मटेरियल जा सकता है.
तो कुछ नई तरह के डेवलपमेंट की जरूरत है या सुपर फ्लूडिटी में इंटरनेट फंक्शन है उसको भी इन्वाइट करता है। एक बार पानी हमने पानी डाल दिया तो बहता चला जाएगा, कहीं नापे इंतजार होगा, जल्दी से इंतजार नहीं होता है, देखते हैं कि है कहीं डाल दिए जल्दी से इंतजार नहीं होता है। लोग रोटी में लगा लगा के उसका सर पर बढ़ा कर लेते हैं, एक बूंद डालते हैं चार पाँच रोटी उसमें से लगा कर निकाल करके दिखा देते हैं, या बहुत लोग तो बोतल पी की देख लेते हैं कि पास हो गया अब खाना नहीं है इसको, काफ़ी दिन चलाना है इसको, तो ऐसा भी होता है। कुछ लोग सुन के काम चला लेते हैं, कुछ लोग हैं जबरदस्ती टिकिया विकिया के नाम पे खा लेते हैं, उसमें से मटर दे दीजिए उसमें चार लोग मिलकर खा लेते हैं। तो ये जो तमाम प्रोसेस हैं ये बड़े फायदे होते हैं कि हार्ट कंडीशन की बजाय अभी सब सूप पीते थे, गर्म खाना खाते थे, अब क्या ठंडा खाने का आदि बनना पड़ेगा, वहाँ जाना है तो वहाँ हो सकता है ताज़ा खाना ना मिले आपको, अभी तो नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद हो सकता है, तो दुकानें लोग खोल ले वहाँ भी रास्ते चलते, अभी तो कस्टमरों की प्रॉब्लम आएगी, पाँच छः जाएंगे फिर वहाँ किसी को करेगा वहाँ भी खुद ही बनाएगा खुद ही खाएगा, तो वहाँ बड़ा स्कोप है काम करने का कि मान ले आप गार्डनिंग डेवलप कर सकते हैं, किसी को अपना खेत कह सकते हैं, वहाँ वहाँ चट्टान अपना पता नहीं कौन कौन सी चट्टान अभी नाम भी नहीं रखे गए हैं, एरिया वाइज कुछ यहाँ जो लोग जाएंगे तो ओनली थिंग कि जो थर्मल रेडिएशन आपने पढ़ा जो थर्मल फिजिक्स बड़ी टेम्परेचर डिपेंडेंट फिजिक्स, वो बजाय हाई टेम्परेचर की अब लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी, साइंस जो थर्मल फिजिक्स थी हाई टेम्परेचर की फिजिक्स है, लेकिन अब आपको पढ़ना है जितना प्लस में जाते थे उतना समझ लीजिए कि माइनस में जाना है। हमने सन की बात की तो हाई टेम्परेचर फिजिक्स आपको बहुत पता है, आपने बहुत पढ़ा, तो बहुत ही अगर कोई बॉडी को गर्म करते हैं तो उससे रेडिएशन निकलते हैं, रेडिएशन निकलने के बहुत से तरीके आपको बताएंगे, काम तरह की बॉडी न पढ़ा के आपको सिर्फ ब्लैक बॉडी है पढ़ेगी हुई या स्पेशल टाइप जो है बॉडी है उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी की तमाम डिफिनेशन हैं कि जिस टेम्परेचर पर एक तो पहले इसमें जो रेडिएशन होते हैं वो आ जाती टेम्परेचर ब्लैक बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होते, होते भी हैं तो निकलते कंडीशन है कि ब्लैक बॉडी में जो रेडिएशन होंगे वो सब थर्मल रेडिएशन होंगे, यानी जो भी बात होगी वर्ल्ड ब्लैक बॉडी ही वह ऑब्जेक्ट है या ये कह सकते हैं बॉडी है, ओनली भारतीय थर्मल फिजिक्स में ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होंगे, और भी रेडिएशन होते हैं आप तमाम तरह के रेडिएशन देखेंगे, यानी इसमें फुल हीट या टेम्परेचर डिपेंडेंट रेडिएशन है ऐसा कुछ मान लिया गया। तो ये इस तरह की विशेष तरह की बॉडी है जिसमें जितने भी रेडिएशन गिरते हैं उनको सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, और अगर एप्रोप्रिएट कंडीशन कर दें यानी टेम्परेचर बढ़ा दें या गर्म कर दें एप्रोप्रिएट टेम्परेचर कर दें तो उन सबको इमिट भी कर सकती है, यानी जिसको एब्जॉर्ब करती है या जिसको इमिट करती है उसी को एब्जॉर्ब करती है, या ये कहें एमिशन और एब्जॉर्प्शन का रेशियो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है। आइडियल केस में जो इसको ब्लैक बॉडी कहते हैं वो इक्वल टू वन होता है, बाकी केस में एब्जॉर्प्शन और एमिशन हर बॉडी का कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन ब्लैक बॉडी के केस में यूनिटी होना चाहिए, ये कंडीशन है। यानी किसी भी बॉडी में प्रोग्रेस की एक थ्योरी है, प्रोग्रेस साइंटिस्ट है, वो कहते हैं अगर किसी बॉडी को गर्म करेंगे तो जो रेडिएशन इमिट होते हैं वो दो चीज़ों पर निर्भर करते हैं, एक टेम्परेचर पर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही रेडिएशन ज़्यादा मिलेंगे, दूसरा नेचर ऑफ द सर्फेस या सर्फेस एरिया प्रोग्रेस की थ्योरी है, इसमें उन्होंने बात कही कि सर्फेस एरिया के नेचर पर अगर कोई एक ही बॉडी हो सर्फेस एरिया बराबर हो उसका नेचर बदलते हैं खुदरा कर दें तो कुछ रेडिएशन दूसरे निकलेंगे, अगर उसमें स्मूथ कर दें तो यानी नेचर ऑफ द सरफेस और टेम्परेचर दोनों पर निर्भर होता है, नेचर ऑफ द सरफेस को हम लोग प्रॉब्लम को कंसीडर करके खत्म कर देते हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, सन कितना गोरा है कितना खराब है कितने गड्ढे कोई नहीं बताता है, चंद्रमा के बारे में कुछ सोचना है हो सकता है चंद्रमा से ज़्यादा अच्छा जो है सुंदर स्थान हो लेकिन उसको कोई मानता नहीं, क्यों क्योंकि टेम्परेचर उसका बहुत होता है, कोई उसके पास जाता है तो पहले उसी को बर्बाद कर देता है उसी को करा देता है, चंद्रमा के साथ ये दिक्कत नहीं है, चंद्रमा में जाकर आप कह सकते हैं माइनस 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो पता लग गया है इसके पास कोल्ड रेडिएशन है, सन के पास हॉट रेडिएशन है, और बहुत सी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी है, लेकिन जो फिजिक्स हमको पता है मोस्टली वो सन के हाई टेम्परेचर के रूप में पता है लो टेम्परेचर के रूप में, तो अगर लो टेम्परेचर की बात कर करके हाई टेम्परेचर या हीट रेडिएशन की बात करें रेडिएशन को मान लेते हैं कि हीट रेडिएशन होगा जब बॉडी में डालते हैं सोलर रेडिएशन या कोई रेडिएशन तो मान के चल रहे हैं कि उसमें हीट रेडिएशन होते हैं, जरूरी नहीं है अच्छा
लेकिन आज की फिजिक्स में CFL में हीट रोटेशन नहीं होती, इन्वर्ट रोटेशन नहीं होते, या जो और भी आपके एल बी आ गए उसमें इन्वर्ट रोटेशन नहीं होता, केवल और केवल आपके पास रोटेशन है। लेकिन पहले प्रदर्शन बल थे या जो भी बल थे उनमें कुछ ना कुछ हीट रोटेशन है, थोड़ी साइंस बदल गई है। उसी तरह भी प्रेशर का बहुत ही इंपॉर्टेंस नहीं था, आप जो नई फिजिक्स आ रही है इसमें प्रेशर रोटेशन हाई प्रेशर पर ऊपर जाएंगे पार वार पर या ऊपर जाते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, समुद्र तल से ऊँचाई बहुत ज़्यादा चंद्रमा की बढ़ गई तो प्रेशर बहुत फैक्टर टेम्परेचर इंक्रीज होने के डिक्रीजिंग होता है और प्रेशर बहुत बढ़ता है, तो थोड़ी फिजिक्स प्रेशर के टर्म में इसको बेस्ट टेंशन कहते हैं प्रेशर में। तो इन अदर वर्ड सिंपल, जगह किसी पार्टी से रेडिएशन लिमिट हो रहा है दिमाग आपके टेम्परेचर आपने बहुत सारे फिजिक्स पढ़ी, बहुत से मॉडल निकाले गए, बहुत से तरीके निकाले गए, एक साथ ऊंचा उतरा लाइक बॉडी से संबंधित है कि अगर एग्जॉशन मालूम है तो मिशन के बराबर होगा, अगर एग्जॉशन भी ना मालूम हो कि मिशन भी ना मालूम हो तो हिसाब का लागू नहीं, तभी लागू होगा हिसाब का जब बॉडी से या तो मिशन हो रहा हो या एग्जॉशन हो रहा हो। यहाँ इसका कुछ पता नहीं कि एग्जॉशन हो रहा है मिशन हो रहा है, मिशन दो तरीके का है, एग्जॉशन एक तरीके का है, तो कौन सा लाभ हिसाब का है टोटल आप देख सकते हैं, टोटल यूजर जितना होगा उसको जुड़ें और टोटल जो एग्जॉशन होगा उसको जुड़ें, फिर आपके हिसाब से सर्टेन प्लेसेस पर सही होता है, सब जगह सही नहीं होता है, इसलिए काफ़ी कुछ छोड़ दिया जाता है। आप देखते हैं किसी राग को अगर ग्रहण कर रहे हैं केंद्र से तो प्रसाद कहता है दूसरे दिन तक गर्म हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि राग थर्मल कंडक्टर की तरह भी है करती है। मान लीजिए एक आदमी को ऊपर से तपट तक मान लें होता है, हम ऊपर से ना नीचे से मारे नीचे कहाँ गर्म होता है, नीचे गर्म होता है ऊपर जो करते हैं हमारा लाल कर दिया, एक कोई निकलता है गर्म कर दिया, बातचीत करते हैं तो कहते हैं हमको गर्म कर दिया या हमको गुस्सा दिया जबरदस्ती, ये कौन सा फिनामिना था बॉडी में से अलग अलग टेम्परेचर कुछ हो गए, ये किसान के लाश होते हैं। अच्छा किसी का पैर दबाइए तो मारता ऊपर से, पैर कोई मारना चाहिए लेकिन ऐसा ऊपर क्या कहता है एक्शन जहाँ होगा वहीं देखा ही नहीं, किसी ने आपका हाथ पकड़ा तो आप पैर क्यों मारते हैं उसको, लंजा एक्शन क्यों बदल दिया, निशंस गला फेल, निशंस गला फेल तो तब होता जब हाथ पकड़ा तो हाथी को मारना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हाथ पकड़ा तो पैर से मारना शुरू कर देता है, निशंस गला लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये प्रसाद का लाभ फेल हो जाता है इस केस में। अगर आप करेंगे तो दूसरे लाभ को सारा बताएंगे कोई बॉडी आपको दी गई उससे अगर रेडिएशन निकलते हैं तो स्टीफेंस लॉ है, स्टीफेंस लॉ कहाँ लागू होता है बहुत हाई परसेंट लागू होता है, रेडिएशन को अगर डाल दें थोड़ी देर के लिए किसी बॉडी पर ह्यूमन बॉडी है बलच कर बॉडी है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और टेम्परेचर तो 2-4 डिग्री कम ज़्यादा हो सकता है, यानी यहाँ स्टीफेंस लॉ भी लागू तो मटीरियल पर रेडिएशन डाला था। जाते हैं आप बताते हैं कि इसका बॉडी का टेम्परेचर 6000 है, सन के ऊपर और कोई रेडिएशन डाली तो क्या होगा सन का, हमको हार्ड बॉडी थी और आपने जाके और रेडिएशन डाल दिया या इस तरह को उसको और गर्म कर दिया किसी तरीके से, सन किसी के ऊपर जल्दी से गुस्सा नहीं होता है, आपने देखा होगा सन किसी की कोई पूजा कर रहा होगा सन गुस्सा हो गया कोई उसको परिणाम दे दिया, और लोग तो तमाम मंगोले हैं वो हर तरह के आदमियों से खुश हो जाते हैं, आगे उनकी कोई बात करें कोई गागा चढ़ाए कोई चिलम चढ़ाए कोई दारू चढ़ाए सब तरह लोगों से खुश हो जाते हैं, मंगोले के साथ ही अच्छी बात है। आप देखते हैं उनको कोई पूजा करने वाला चाहिए, खाता पीता क्या है उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका बस अपना प्रिंसिपल है, लो टेम्परेचर फिजिक्स में काम करते थे, हिमालय में रहते थे, बर्फ़ गिरती थी शंकर भगवान इसलिए उनके पास हॉट कंडीशन काफ़ी होता है, के पास रहते थे, यानी तमाम फिजिक्स है यानी भी कम बोलने फिजिक्स बाकी है तो आए सामने स्टीफेंस ला कहाँ लागू होता है जहाँ बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जहाँ जो कंडीशन है जहाँ से निकल रहा है वहाँ से उसका टेम्परेचर बहुत क्लोज का हो सकता है, लेकिन जहाँ पर गिरता है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत मार्केट होता है, इसलिए ये लागू नहीं होता। इसी तरीके से विंस ला है आपने कुछ पढ़ रखा होगा तो उससे जो रेडिएशन निकलते हैं वहाँ भी टेम्परेचर काफ़ी मॉडरेटली ला है, यानी वो सन के लिए भी विजिट है और वो बीच में और भी जो अनसेस प्रोसेस होती हैं इंजन्स हैं जिनमें टेम्परेचर सराउंडिंग से कई गुना ज़्यादा होता है, आपने मान के चूल्हा होगा जो आया था 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है ना, न्यूमोलॉजी की पट्टी के आसपास या 80 डिग्री होता है, यानी कि 40 से कई गुना ज़्यादा है, तो वहाँ कोई बॉडी ऐसी है अगर रेडिएशन गर्म कर रहे हैं उससे रेडिएशन निकलते हैं। ड्रॉबैक है ज़्यादातर लोगों ने
इसी तरह एक रेलवे जींस रहा है, एक लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड है, दूसरा हायर फ्रीक्वेंसी के लिए। लेकिन जो सबसे बेस्ट एस्पेक्ट्स है वो है प्लैंक्सर। कि अगर किसी बॉडी को ग्रहण करने से रेडिएशन होता है, इक्विलिब्रियम में प्लैंक्सर आप हाइक कर सकते हैं। आप लेकिन पढ़ा होगा, हम उसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से देख रहे हैं। हाइट इक्विलिब्रियम इंटरनल फिजिक्स, यानी जब भी कुछ थर्मल फिजिक्स, ये थर्मल फिजिक्स का मतलब है टेम्परेचर का। कोई व्यक्ति लगातार आपकी बात सुन रहा है तो वो उसी कमजोरी में कभी समझ नहीं आएगी। अगर वो कुछ आपके पीछे हुआ क्या प्रॉब्लम है, थर्मल फिजिक्स में ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है कि आप उसको लगातार घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। लेकिन एक सिचुएशन आएगी तब वो आपका लाभ फिर हो जाएगा, अच्छा ध्यान रखिएगा। ये थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन दी मैटर एंड एनर्जी, बिटवीन दी नंबर ऑफ एटम्स अगर एनर्जी लेवल में यंग है तो एक कांस्टेंट है c e टू द पावर माइनस e
फायर सिग्नल, फायर सी सिस्टम कांस्टेंट है, सी ए सिस्टम सिस्टम कांस्टेंट का मतलब है डिपेंड्स अपॉन द टाइम, रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का लगे कुछ और होगा, सर्कुलर लेंथ के सी में कुछ और होगी, ये ज्योमेट्री को उसकी तो इन अवर केस है, इन अवर केस देयर आर टू एनर्जी लेवल्स, टू एनर्जी लेवल्स हैविंग एनर्जी पी1 एंड हैविंग एनर्जी पी1 एंड माने कि इसमें एक और एनर्जी लेवल थी विद द नंबर ऑफ एटम के अनुमान में विद द नंबर ऑफ एटम विद द नंबर ऑफ एटम्स एन1 एंड एन2 ये कुछ आदतों से पहले से थी जो हमारा सिस्टम है वो टू एनर्जी लेवल से डिस्क्राइब होता है उसमें से ई वन और ई टू में जो हमारा फर्क माने देयर फॉर वी पे वी पे ये फोर्समेंट कहते हैं कि हमारा आटम में गिवन एनर्जी लेवल से प्लस वन गवर्न बाय दी प्रेजेंस ई टू दी पावर माइनस ई वन प्लस टी अब एनर्जी की हमें है तो ये एनर्जी बना हुआ था सिमिलरली एन क्यू की वैल्यू हो गई सी ई टू पावर माइनस ई क्यू ओवर टी हमें यहाँ पर फैक्टर को चाहिए था ये हमारा समान देयर फोर इनको तो लोग डिवाइड कर दिया हमारा समान ये इक्वल टू सी ई टू दी पावर ई वन ओवर के टी डिवाइडेड बाय सी ई टू दी पावर माइनस ई क्यू ओवर के टी सी सी खत्म हो गया एन वन अपॉन एन टू इक्वल ई टू दी पावर ई टू माइनस ई वन ये नोट है हमने ये टू अपॉन ये वन पहले निकाला था हमने बात कर ली थी इसकी वजह इसी वजह हम जरूर देना ये वन वन डायरेक्टली भी लिख सकते थे तो पुटिंग ये ई टू अपॉन ई वन आप ये ई वन माइनस ई टू मालूम है ई टू माइनस ई वन डिफरेंस आप ई टू रखते लेवल मस्ट बी इक्वल टू एस सी से रहा जो क्या है पोटेंशियल वेरिएशन ये एन वन अपॉन ई टू क्या आ गया एन वन अपॉन ई टू की पावर एच न्यू ओवर पी टी एच न्यू ओवर पी टी आ गया दिस प्रकार सब्स्टिट्यूशन दिस वैल्यू पुटिंग दिस वैल्यू नी क्वेश्चन नंबर फोर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन इन एनर्जी डेंसिटी इन एनर्जी डेंसिटी आप भी से इमीडिएट रिलेशन कह सकते हैं या आप भी रिलेशन पहले कि हमारे इसके लिए एनर्जी क्या होती है जी रेडिएशन का इस केस में निकल सकते हैं रेडिएशन इस एनर्जी की आप एनर्जी डेंसिटी आपको मिल गई रो न्यू इज इक्वल टू ए टू वन डिवाइडेड बाई बी टू वन और ये है वन अपॉन ए इसको लिख सकते हैं ये देखिए बी वन टू डिवाइडेड बाई बी टू वन इसकी जगह होगा ई टू दी पावर एस डी ओवर के टी माइनस वन इस क्वेश्चन को हम वही क्वेश्चन नंबर फाइव कर देते हैं यानी एनर्जी डेंसिटी हिसाब का एक कहता है कि अगर क्या होती है वो की इक्वल टू क्या होगा जो मान ले जाता है जब एनर्जी डेंसिटी डाल रहे थे मीडियम में तो सब कुछ समझते हैं कि पूरी की पूरी होता है लॉगरिथम की वैल्यू होती है स्टेबिलिटी भी होगा और कंटीन्यूअस होगा इनफैक्ट जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो ज़्यादा होगा आपने देखा था इस दो फोटॉन निकलते थे ये कह सकते हैं यहाँ से भी बॉडी से भी इमिट होगी ये जो है किसी को अगर किसी और रेडिएशन में रखते ऐसा नहीं वो सो जाए वो सोने के बाद जगेगा तो फिर रोएगा या सोने के पहले रोएगा बेचारे के बच्चे आपने देखे होंगे उनको धूप में डाल दीजिए तो कुछ ऐसे होते हैं जो सोने के लिए रोते हैं वो रोते हैं फिर सो जाते हैं कुछ ऐसे होते हैं जब सो के जगते हैं तब रोते हैं धूप लगती है या काम खाना हो सकते दोनों अलग अलग वैरायटी के बच्चे होते हैं यानी धूप में से यानी मटेरियल था और रेडिएशन में डाल दिया इसका तो दो चरण हो सकते हैं या तो रेडिएशन इमिट हो या वो ऐसा हो सकता है सिंपल है वो जो पहले वाला बनाना था जहाँ पर लिखा गया प्लैंक रेडिएशन फार्मूला उसे तो रेडिएशन इमिट हो रहा था यहाँ हम मीडियम में रेडिएशन डाल सकते हैं वो तो हमारे इतनी मान लीजिए कि चाहते हैं कि तुम्हारी इमिट होती उसी को एक बार दोनों को कंपेयर कर सकते हैं दोनों हमारे इमिट हो गए ऑन कंपेयरिंग क्वेश्चन से 5 एंड 6 नो यस से ना बेटा सर कुछ इसको रख दिया था ना वो सो ये क्वेश्चन तो कंपेयरिंग क्वेश्चन 5 एंड 6 कंपेयर करिए तो क्या मिल गया ऑन कंपेयरिंग मैट्रिक्स में आईजी ने दोनों को कंपेयर किया
on complaint, on complaint. Question, say, right, and so can I just seven? Six. आप देखिएगा जो है इंप्रेशन दे दीजिएगा ठीक है लेकिन सामान अपने इंप्रेशन रिपीट है क्या मिल गया आप कंपेयर करिए देखिए वन अपान ई एच डी और टी टी एक है फैक्टर एट पाई एच डी एट पाई एच डी की जगह लिखा हुआ है एट वन अपान और यहाँ एन वन अपान एन टू यहाँ पर एच डी माइनस वन को छोटे दिए फैक्टर इसके बराबर वहाँ पर वहाँ कंपेरिजन बी के बी वन टू डिवाइडेड बाई बी टू वन दूसरा आया R you can say if we do one equal to C cube divided by 8 pi h nu cube into A into 1. ये दूसरी क्वेश्चन आ गई इसको ब्रैकेट में करना है या फिर आप बोलोगे दिस क्वेश्चन ये क्या बताते हैं एक दूसरे के साथ कैसे बताते हैं A1 to B2 1 से करते हैं तो कहते हैं हमारा इक्वेशन किसी के साथ ठीक नहीं है तो और ऐसे बताते हैं हमारा इक्वेशन उनके साथ दूसरे से बात करते समय कहते हैं हमारा इक्वेशन आजकल ठीक नहीं चल रहा है तो ये क्या है इक्वेशन नहीं है ये क्या है रिलेशन है B1 टू भी वही है B2 टू भी है प्रॉबर्टी थी दोनों और दोनों के बीच में तो ये इनको कहलाता है ये जरा नाम इनका क्या इसकी रिलेशन कहलाते हैं आइंस्टीन के बेटा था या बेटी थी ये नहीं पता आइंस्टीन है आइंस्टीन का मेरा रिलेशन इसी प्रॉबर्टी के साथ है तो इनको पॉपुलरली इक्वेशन Probability. There is equal probability.
आप जी ये देखिए B12 क्या था, स्टिमुलेटेड एग्जॉशन से संबंधित था या एग्जॉशन से संबंधित था। B21 क्या था, स्टिमुलेटेड फ्यूजन। ये कहते हैं जो प्रॉपर्टी आपकी स्टिमुलेटेड एग्जॉशन एंड स्टिमुलेटेड फ्यूजन बिटवीन दी third in addition
सिंस the stimulated emission probability, stimulated emission probability या stimulated emission probability is inversely proportional, is inversely proportional to the power of यहाँ पर V equal है कैपिटल इसको लिखे तो ये होगा V equal one equals to proportional to one upon new new इसका बहुत ज़्यादा होगा उसके लिए stimulated emission की प्रॉपर्टी बहुत अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की फिर माइक्रो वेव्स की फिर इंफ्रारेड की यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी नहीं क्या होगी बहुत कम होगी तो गामा रेज की लेजर के लिए वी टू वन क्या होगा सबसे कम प्रॉबलिटी सबसे कम है तो गामा रे लेजर नहीं बना गामा रे खुद भी बहुत होती है गामा रे लेजर संभव नहीं है क्योंकि वी टू वन न्यू बिकम वेरी लार्ज ये जीरो हो जाएगी आर्मर यानी इस तरह की लेजर नहीं हो सकती है लेजर की क्या विशेषता थी आपको बताएगी उसमें हाई डेंसिटी तो गामा रे में होती है लेकिन पी और प्रॉपर्टी यूनिट डेंसिटी की प्रॉपर्टी गामा रे रैंडम होती है चाहे डायरेक्शन में होती है तो डायरेक्शन डिपेंडेंट फेनोमेना उसमें यूनिट डेंसिटी नहीं मिलेगी कोहेरेंसी नहीं होती है जरूरी नहीं है कोहेरेंसी हो भी सकती है क्योंकि उनके सबके फोटॉन की एनर्जी सेम हो लेकिन यूनिट डेंसिटी बिल्कुल नहीं होगी कोहेरेंसी भी बहुत कम होती है या बहुत लीस्ट होती है उसमें तो इसी तरह एक्सरेस की बात करें सिंस या दी फ्रीक्वेंसी ऑफ दी एक्सरेस के बारे में आपने पढ़ा 100 आंकड़ा से लेकर 0.1 आंकड़ा तक एक्सरेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है 10^19 से लेकर 10^22 हर्ट्ज के बीच में होती है फ्रीक्वेंसी यानी इन केस ऑफ एक्सरेस एंड गामा दोनों के साथ दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी इस पर है ये फ्रीक्वेंसी आर पर है हमारे फ्रीक्वेंसी आर पर है लीस्ट कोरिलेटेड का मतलब था कि इनकी जो कुछ प्रॉपर्टी थी डायरेक्शन
जेल की बात की गई थी पोलराइजेशन, तो वो थ्री डिफरेंस है एजुकेशन की सभी का एजुकेशन का रैंडम आर एंड एंड आर की कोहेरेंट इन नेचर इन कोहेरेंट इन नेचर। इस केस में जो है रेडिएशन यूज होता है तो लाइट यूज होती है वो नॉन कोहेरेंट ये सब रैंडम है देयरफॉर द रेडिएशन यूज है देयरफॉर सच रेडिएशन आर सच रेडिएशन आर सच इन ओवर सच रेडिएशन आर उसको तो क्या मिल गया 15। ओके
रो बराबर आपने निकाला था a y h u डिवाइडेड बाय c u 1 ओवर, यहां पर हमने निकाल कर आया था h u ओवर के माइनस माइनस इसी फार्मूला का कर रहा। इसको देखिए इधर ले आएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया r 2 डिवाइडेड बाय r 2 1 इसका सिज नथिंग इक्वल टू e टू द पावर h u पर p t माइनस 1। ये का फार्मूला है, प्लीज रिमेंबर इट। इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं, r 2 1 अपॉन क्या बन गया रेट रेशियो है हर जगह की फार्मूला जरा इसी के बाद में तो समझाएंगे। इसी में से वेरिएबल्स के लिए सब वाक्य था और तन का दिया के लिए भी ये आ गया रेट का स्पॉन्टेनियस फंक्शन। स्पॉन्टेनियस फंक्शन डिवाइडेड बाय रेट का तो आएगा तो आगे तो